आज एट प्रेजेंट सीकर की सबसे सुंदर व्यवस्थाएं, श्रेष्ठ व्यवस्था आपकी सीएलसी के पास है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिजल्ट कह रहा है। आओ एक एक बात करना शुरू करते। मेरे को लगा कि जैसे मेरे परिवार में मैं मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रखता, उतना ध्यान उस सीएलसी में रखा जाता है कि बोस की 18 से 20 घंटे ड्यूटी सीएलसी के अंदर रहती है और एक एक बच्चे पे, एक एक बच्चे के क्रिया मतलब प्रक्रिया पे नजर रहती है बोस की कि बच्चा क्या कर रहा है, कब उठ रहा है, कब सो रहा है। आपको यह है कि बच्चा आपने मेरे को सौंप दिया है और मैं बच्चे को मेरा समझ के जो 4000 बच्चे, 10000 बच्चे, 20000 बच्चे, 50000 बच्चे, ये सब मेरे हैं। तो मैंने उसी दिन से उनकी बिल्कुल प्रक्रिया पे ध्यान दे लिया और मैंने तो दिमाग ही नहीं लगाया, तो बच्चे ने बढ़िया बढ़िया आपके सामने रिजल्ट आ गया। सीएलसी के अंदर बढ़िया व्यवस्था है, सारा अच्छा कैंपस है, वंदे मातरम में लड़का रहता था, 95 लड़के सेलेक्ट हुए हैं उस हॉस्टल से टोटल, एक एक कोई कमी नहीं रही, खाना वाना सब कैंपस सारा सिस्टम बढ़िया था। मैं तो ये कहता हूँ सीएलसी जैसा कैंपस नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि सीएलसी हम जैसे गरीब कंडीशन वालों के लिए सबसे बढ़िया कोचिंग समझता हूँ और मैं आस करता हूँ कि मीनू से छोटा भाई भी जब 12वीं पास यहाँ से किया है जावता से, तो उसको भी मैं सीएलसी में ही कराऊंगा और वो भी नीट की ही तैयारी करेगा। इसलिए मैं हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, जब है सीएलसी का साथ और मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मैं सीएलसी का धन्यवाद करना चाहूँगा और विशेष बोस का, मेरे परिवार में वो पहला बच्चा था जो डॉक्टर बना है। कारो वाली शिक्षा चाहिए तो पहला चयन सीएलसी होना चाहिए। जय हिंद, जय सीएलसी। इन सब का श्रेय मैं बोस को देता हूँ, इनका मोटिवेशन बहुत बढ़िया होता है, बच्चों में ऊर्जा बढ़ता है, एक तरह से उनमें नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आती। वो सीकर को शिक्षा नगरी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान सीएलसी के बोस का ही है, जो आज और हम इस परिवार के साथ में यहाँ बैठे हुए हैं।